7th century Badamita, Yeta 7th and 8th century Pattadakal. देखिए आई वाले चालुक्यों का कमर्शियल सेंटर लाइक ए बिजनेस सेंटर था, बादामी उनका राजधानी लाइक ए पॉलिटिकल सेंटर था, लेकिन पट्टदकल वाज है कल्चरल एंड कॉरोनेशन सेंटर. कॉरोनेशन इन इंग्लिश वर्ड आप लोग मराठी में कहते हैं राज्याभिषेक, कन्नड़ वर्ड है पट्टाभिषेक, इसलिए इसको पट्टदकल करके यहाँ पे नाम आ जाते. लेकिन इधर ही क्यों करना चाहते थे वो लोग, या बादाम में भी कर सकते थे या आई वाले में भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है कौन सा नदी के मलप्रभा ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा. आप लोग कल जा रहे हैं वहाँ पे एक प्लेस होता है कूडला संगम, वहाँ पे मलप्रभा घटप्रभा और कृष्णा त्रिवेणी संगम. लेकिन भारत देश में हर नदी भी बहती है, वो नदी किस तरफ से किस तरफ बहती है वो मेन इम्पोर्टेंट. ये नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, तो मैक्सिमम नदी कैसे आते हैं उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व जाते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन है. तो ये पवित्र नदी ऐसे सोच करके बादामी चालुक्यों का ने 98 राज्य यहाँ पर आकर के राज्याभिषेक है. 98 सर, इट इज नॉट ए स्मॉल डायनेसी, इट्स अ बिग एम्पायर फ्रॉम नर्मदा टू कावेरी रिवर. आपको मालूम है चालुक्य में इज अ वेरी फेमस किंग कौन था, पुलकेशी. यस, उनको कहते हैं हम लोग दक्षिणा पतेश्वरा, बिकॉज ही रूलिंग होल डेक्कन. साउथ इंडिया रूल करते थे आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र गोवा एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो गुजरात तक रूलिंग करते थे. आपको मालूम है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे में हराता है, उसको कहते हैं उत्तरापतेश्वर और इनको कहते हैं दक्षिणापतेश्वर. सब राज्य लोग यहाँ पे मानते थे ये नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, तो ये पवित्र नदी है और उनके अंदर हम लोग स्नान करके पट्टाभिषेक राज्याभिषेक के लिए बैठ गए तो हम लोग विन हो जाते हैं. इसलिए 98 राज्य यहाँ पर आकर के राज्याभिषेक किया, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्नड़ होते पट्टदकल्लु. आप लोग हम्पी देखे कितना सेंचुरी का था, 15th century. हम्पी होते जस्ट 500 ईयर ओल्ड मॉन्यूमेंट, ये था 1500 ईयर ओल्ड, 1500 साल पुराना मॉन्यूमेंट अभी आप लोग देख रहे हैं. और देखिए आप लोग हम्पी में कौन सा स्टोन देखा था सर, आप लोग कौन सा स्टोन देखा, ग्रेनाइट, इजी टू कार्विंग, उसमें इजी कर सकते हैं, उससे भी बेलूर हॉलबेड यू बीन, या दैट इज 13th century हॉयसूला, दैट इज मोर इजी टू कार्विंग, सब स्टोन होते हैं. लेकिन आपको यहाँ पे स्टोन दिखा दे रहा, कौन सा स्टोन दिखा दे रहा आपको, सैंडस्टोन, यू नो सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं, लेकिन इसमें कार्विंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत सॉफ्ट है, एक तरफ कट करना होता है एक तरफ टूट जाता है, फिर भी उतना डिटेल स्कल्पचर हम पे देख सकते हैं. देखिए पट्टदकल इज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट, आपको मालूम है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट साइट होता है. टोटली भारत देश में कितना है, 27, कर्नाटक में दो ही प्लेस हम्पी एंड एक पट्टदकल. नेक्स्ट हम लोग आईवली जाएंगे, आईवली में कितना मंदिर है, 122 टेम्पल, हम लोग दो या तीन मंदिर देखते हैं, बिकॉज स्टिल लोकल पीपल लिविंग एट इनसाइड द टेम्पल, अभी भी मंदिर के अंदर लोग रहते हैं. आप हो सकते हैं एक ही प्लेस में 122 टेम्पल क्यों किए, बिकॉज चालुक्य उनका फर्स्ट बेसिक इन आईवली, मंदिर को कैसे बनाएंगे वहाँ पे प्लानिंग होता है. आप लोग ओनली आईवली देखना चाहते हो कम से कम 6-7 दिन चाहिए, ये 6-7 दिन भी देखें तो जस्ट प्लेन वॉल प्लेन पिलर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ चार्जिंग से. देन सेकेंड स्टे होता है इन बादामी इन द केव्स, जो भी स्कल्पचर देखे मिनिमम 12 फीट हाइट देख सकते, क्योंकि वहाँ पे मूर्तियाँ डेवलप हो जाते हैं. और लास्ट होते हैं पट्टदकल, यहाँ पे वास्तु के हिसाब से और रामायण महाभारत यानी पंचतंत्र स्टोरी, स्पेशली आप लोग महिला मंडली फैशन करते हैं, वो लोग कितना फैशन करते थे डिटेल यहाँ पे हम देख सकते हैं. और आपको ये मैं पूछना चाहते हैं इसको क्यों डिक्लेयर किया होगा ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट दिखा दे रहे हैं. आप देखिए ये फ्लैट जैसे टेंपल आपको दिखा दे रहे हैं और ऊपर का भाग आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं कि क्या कहते हैं, गोपुरम. शिखर कहाँ पे रहते हैं देख लीजिए, गोपुरम शिखर दोनों भी अलग अलग है, कलश तो हर मालूम मंदिर के अंदर रहते हैं. आप इंडिया पे कहीं पे टूर कर लीजिए आपको मालूम होना चाहिए गोपुरम किधर रहते हैं शिखर किधर रहते हैं. तो स्पेशली दबिल पाक शिखर करते गोपुरम किधर रहते हैं, एंट्रेंस किधर रहते हैं, महाद्वार के ऊपर रहते हैं कहते हैं हम लोग गोपुरम, जो गर्भगृह का ऊपर रहता है शिखर कहते हैं शिखर. यहाँ पे ओनली शिखर का संग देखिए आपको हरप्पा और मोहेंजोदार जो ना सिंधु नागरिक सिविलाइजेशन आप लोग कहीं पे भी एंसेंट क्रिस्तापुर में भी देखे वहाँ पे शिखर रहते हैं, अभी भी शिखर बनाते हैं. गोपुरम बीच में है तब बीच में स्टॉप हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे शिखर देख सकते हैं. कितना तरह का शिखर है, 3 विभिन्न रीति शिखर देख सकते हैं. देखिए पहला मंदिर का नाम होता है काड़ा सिद्धेश्वर, सेकेंड होता है जम्बुलिंग और ये था गलगना. यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं
काशी विश्वेश्वरा, ये चार मंदिर का शिखर आपको कैसे दिखा रहे हैं? हम इसको कहते हैं नागरा स्टेला पार्क देखा सर, हमारे इधर एमआड़ बनती है नागरा। ऐसे मंदिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा किस तरफ देखते हैं? इन नॉर्थ इंडिया लाइक ओडिशा, जगन्नाथ पुरी, कटक, भुवनेश्वर, तो ऐसे ही देख सकते हैं। और इसका बगल में एक दिखा दे रहे हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं हम लोग द्राविड़ा विमाना स्टाइल, द्रविडियन। द टेम्पल वेरी फेमस इन साउथ इंडिया लाइक तमिलनाडु, इन महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजावुर, तो वैसे इसको कहते हैं हम लोग आर्यन आर्किटेक्चर। आप लोग मराठी वर्ड बोल रहा था हेमाडपंथी स्टाइल, दैट इज द्रविडियन। ये दोनों को भी मिक्स कर लीजिए। सबसे पीछे है, मैं आपको अगेन सब्सक्राइब करता हूँ, उसको कहते हैं हम लोग वेसरा। यू नो वेसरा इज अ कन्नड वन एनिमल नेम, हेसर कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग कहते हैं न्यूल, मराठा में कहते हैं खेतर। कैसे ये नॉर्थ इंडियन का मंदिर का लक्षण इंडिया पे कहीं पे जाकर देख लीजिए उसका लक्षण कैसे था, ऐसे करविली। और साउथ इंडियन का कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल होते हैं। जब लास्ट मंदिर को देखे वो दोनों भी मिक्स हो जाते हैं। अगेंस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इन पट्टदकल हाउ थ्री डिफरेंट आर्किटेक्चर टेम्पल आप यहीं पे देख सकते हैं, इसलिए यूनेस्को ने सेलेक्ट किया वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट। 19 नवंबर 1987 में डिक्लेयर किया, ये विश्वधाय स्मारक कहते हैं। 86 हम्पी पे हुआ। आप टोटली चालुक्यों का कितना मंदिर देख सकते हैं? 285 टेम्पल है, इंक्लूड बादामी, पट्टदकल, आईवल बीच में, उसमें चालुक्य एक मंदिर पूजा करते थे। कहाँ पे? अभी हम जाएंगे विरूपाक्ष। एक ही मंदिर क्यों पूजा करते हैं सर? हर मंदिर को पूजा करना चाहते थे ना, क्यों नहीं करते होंगे? इन एरिया सबको मूर्ति नहीं हो, मूर्ति नहीं हो, ओके वो भी हो सकता है। आप लोग कहीं पे जाए हिंदू मंदिर में मूर्ति कंडित हो जाते हैं, वो मंदिर को पूजा नहीं करते। सो वन मोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वास्तु रहना चाहिए प्रपोर्शनल, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी गिवन द नेचर। वो मंदिर के लिए कम से कम 7 पार्ट रहना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं वास्तु। पहला मंदिर को ऑब्जर्व कर लीजिए, कितना पार्ट दिखा रहे, ओनली 2 पार्ट दिखा रहे, गर्भगृह और सभा मंडप, ओके। और सेकंड टेम्पल देख लीजिए कैसे डेवलप होता है, गर्भगृह, सभा मंडप, यहाँ पे नंदी मंडप दिखा रहे, ओके। वहाँ पे इधर एक बार क्रिएट हो जाते हैं, उधर नंदी मंडप नहीं तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और ये मंदिर को देखिए, परिक्रम नहीं कर सकते, उत्तर पैसेज। और ये मंदिर को आप लोग अंदर से ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दिखा रहे हैं मैडम आप लोग। आप सोच लीजिए इट वॉज स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एक एक मंदिर के लिए एक एक पार्ट को डेवलप करके, सो फाइनली वो मंदिर को वास्तु के हिसाब से किया, इसलिए वो मंदिर पूजा होते हैं। और यहाँ पे जितने भी मंदिर देखे अंदर गर्भगृह का जो स्टोन यूज किया दैट्स ओनली ग्रेनाइट, यही स्टोन से कर सकते थे वो लोग। दूसरा ग्रेनाइट क्यों यूज किया? उसका मैं अभिषेक करता था, अभी भी हम लोग अभिषेक करते हैं पानी दूध घी से, ये पत्थर होते जल्दी में ही जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सोच करके ग्रीन ग्रेनाइट यूज किया। और ये पूरा पत्थर यहाँ पे नहीं था, 4 किलोमीटर दूर पहाड़ होते हैं उधर से पत्थर ला करके यहाँ पे मंदिर बना, क्योंकि वहाँ पे सीधा सा से लिखा है कौन सा मंदिर बनाने के लिए कौन सा क्वारी से पत्थर लाया, वहाँ पे हम लोगों का चिन्नी और हथौड़ी मिला है और स्क्रिप्ट भी मिला है, इससे पता चल जाते पूरा पत्थर वहीं से लाके यहाँ पे बन गया। పట్టడక్కలు బదామి మందిరాచి రాజధాని కాహీ అవశేష భగ్న స్వరూపాత ఆహెత్ పణ తే ఇథే రాఖలే గెలేలే ఆహెత్ सगळा भव्य परिसर मंदिराच्या विविध आकाराने, गोपूर, नंदी, शंकराचं देऊळ, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं मंदिराचे आकारसुद्धा वेगळ्या पद्धतीचे आणि अतिशय कलाकुसर केलेले आकार दिसतात। हा त्यातलाच एक मंदिराचा भाग, हा वेगळ्या प्रकारचा दगड आहे आणि त्यातलं कोरीव काम पण आपण इथं पाहू शकता।